हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एयरटेल का 2G सिम है उसको हम 4G में अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे जो है 4G में अपग्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको SMS में जाना है, और SMS में जाने के लिए आप अपने मोबाइल का जो है राइट मैसेज में जाना है, और यहाँ पर जो है आपको लिखना है, कैपिटल में आपको लिखना है सिम। लिखने के बाद स्पेस देना है, और जो नया सिम जो है, जो ऑल इन वन सिम होता है, इसका जो है ए वाला जो नंबर है, सिम नंबर, इसको उसमें डाल देना है, और SMS करना है 121 पर। तो चलिए डाल देते हैं इसको। के बाद आपको करना क्या है, इसको ऑप्शन में जा करके सेंड टू पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इंटर नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर डालना है 121, और यहाँ से जो है इसको ओके कर देना है, और उसके बाद ऑप्शन में जा करके सेंड कर देना है। जैसे ही SMS सेंड हो जाता है तो आपको एक SMS रिसीव होगा। उस समय वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है, तो यहाँ पे इसको हम मैसेज को ओपन करेंगे, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये सिम है तो ही इसको अप्लाई वन लिख करके कंफर्म करें। तो यहाँ पे मेरे पास ये सिम है, तो इसको रिप्लाई में जा करके और यहाँ पे जो है वन लिख करके इसको जो है हम सेंड कर देंगे, सेंड। और ये सेंड होने के बाद एक कॉल आएगा इस पर, देखिए यहाँ पे आ चुका है, और इसको हम रिसीव करते हैं। और यहाँ पे कॉल कट गया है, और इसमें जो है लास्ट जो 4 डिजिट होता है, जो सिम कार्ड का नंबर है उसका 4 डिजिट जो लास्ट का था वो डालना था, तो हम डाल करके कंफर्म कर दिए। और यहाँ पे एक मैसेज आया है, थैंक यू, नाउ सिम विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली फॉर योर एयरटेल मोबाइल नंबर इतना इतना, योर ओल्ड सिम विल बी वर्क स्टिल द न्यू सिम गेट एक्टिवेटेड। जब आपका जो ये न्यू वाला सिम है जो एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये जो हमारा 2G वाला जो पुराना सिम है वो काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।